महादेव की जय बोला, एक बार महादेव एक बार नीलगढ़ बिहार महादेव की जय बोला, महादेव की नीलगढ़ महादेव की जय, नीलगढ़ नाम हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह वाह। तो दोस्तों आज हमारे एक प्रभु जी आश्रम से भाग गए हैं। वैसे उनका वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा था और वापस से, वैसे तो दो तीन बार भाग गए हैं, बट उनको लेने के लिए अभी वापस जा रहे हैं हम। तो चलिए आज इस छोटे से एपिसोड के माध्यम से, अक्सर ऐसा होता रहता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हाईवे है और जितने भी लोगों को हम रेस्क्यू करके लाते हैं तो दो तीन दिन के अंदर जो शायद उनकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है कि जिसके कारण वो वापस उसी अवस्था में चले जाते हैं। बट चले कोई बात नहीं, देखते आगे आप सभी लोगों को दिखाते हैं। गाड़ी चालू हो गई है, जा रहे हैं अभी, चले मेरे साथ। નીકળી ગયેલા લાગે આ ભાઈ, એવું છે નંબર મારી પાસે નહીં એટલે હું પાછો એટલું બધું ભણેલો લખેલો નંબર મને એમ નહી ફાવે, હું તો અહીંયા મારી પાસે શું છે મને જીતને ભી પ્રભુજી હોતે ઉનકો એક લોગો વાલા ટી શર્ટ પહેનાયા જાતા હૈ જિસકી વજહ સે વો આરામ સે મિલ જાતે નોર્મલ લોગો કી તરહ વો અલગ તરહ કે વો દિખે ક્યુંકી ઉનકે કપડે કી વજહ સે વે જ્યાદા તર પહેચાન જાતે હૈ। वो जो भाई है वो तमिलनाडु से है और उनकी भाषा मैं नहीं समझ सकता हूँ। जो भाई ने मुझे जब मैं पहली बार उनको रेस्क्यू किया था उस वक्त मुझे उसने सर पे मार भी दिया था, और जो शायद आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारी परेशानी उसने खड़ी कर दी थी। फिर से थोड़ी सी कोशिश करते हैं, पहले बने रहिए, देखते आगे। कितने टाइम से आप खड़े हो यहाँ पे? दो घंटे से आप खड़े हो? अरे बाप रे, भाग जा रहा था, ऐसे भाग जा रहा था। दो बार तो गाँव में लेकर गया, खाना खिलाया, बराबर ठंडा पिलाया, भूखता नहीं था। पहुंच चुके जो भाई, अभी हम खाटसुरा गांव में हैं, महुआ से नज़दीक एक छोटा सा गांव है वहां पे, और भाई यहां पे आराम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मिलन भाई। हेलो, कैसे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, चलो खाना है ना? हाँ हाँ, चलो अब नाटक मत करो, मुझे पता आप बोल सकते हो। चलो खड़े हो जाओ। बोलता घनी वक्त बोला नहीं था, परिवार न हो ओळखी जाए ना। चलो खड़े हो जाओ, बोलो क्या नाम है, नाम बोलो, बोलो। हैं, मुझे मारा था याद है? नहीं याद है? तो आश्रम छोड़ के क्यों आ गए? बोलिए ना, बोलो क्या नाम है, बोले से बुद्धू नाटक करे। हमारे एक शब्द ने बोला है, एक शब्द ने बोला लाओ ये थैला दे दो। ये कहाँ से लिया? रास्ते में से। बराबर, वासे ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो, चलो आ जाओ इधर, ना बोलो। एक कहाँ से कचरा ले लिया वापस? फेंकी दो, फेंकी दो। नाम नाम ये क्या हुआ था बोलिए ना। भाई बिल्कुल नाटक कर रहे, सब कुछ बोल सकते, इंग्लिश में बात करते, बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ मैं, बट अभी भाई के सामने नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे, बराबर ना? चलो बैठो। चलो भाई, थैंक यू सो मच, हमारा खूब नहीं। अभी भाई को लेके जा रहे हैं वापस आश्रम और वहाँ पे जाके उनके हालात को थोड़ा सा, चलते आगे देखते आप।
क्या नाम है आपका? बादशाह नंडा। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? साफ साफ बोलिए, नाटक मत कीजिए। तो दोस्तों फाइनली आ चुका है सोशल मीडिया आश्रम, जहाँ पे आपको हमारी बाउंड्री दिख रही है और ये है हमारा हाईवे, भावनगर महुआ हाईवे, और हम अभी एंट्री कर रहे हैं सोशल मीडिया आश्रम पे। और यहाँ से नज़ारा आप एक बार देखिए, क्या मस्त नज़ारा है यार। आ जाओ। ये हैं। नमस्कार बोलो। नमस्कार बोलिए एक बार, ऐसा नहीं जोर से लब्स। नमस्कार बोलिए। जिस फिर से बोलिए। नमस्कार। फिर से बोलिए। नमस्कार। हाँ देखिए कैसे बोल रहा है। आ जाओ उधर। ये क्या हुआ था? वो बोलिए नमस्कार की तरह बोलिए। क्या हुआ था? गिर गए थे। तो हाथ बैंड हो गया था। अच्छा आपके मम्मी पापा है? मम्मी है। क्या नाम है मम्मी का? मम्मी बोलिए। मम्मी। जोर से बोलिए मम्मी। हाँ और चलिए ये सब निकाल दीजिए, ऐसे करिए, ये सब निकाल दीजिए। आ जाइए, क्या हो मस्त फ्रेश हो जाए। भगवान ने अरे बात थी तुम्हारी? अरे हूँ चूस कहीं थी ना थी अजी कहाँ कहाँ बुध कदड़ो काटिए जी। बराबर બોલો બીજું કઈ? તમાકુ લેવા? તમાકુ 10 રૂપિયા લઈ ગયા મારી પાસેથી। કોણ લઈ ગયું? મને મારે હમ જોન વાત કરો, કોણ લઈ ગયું? ઈ કે મને કે હું તમાકુ લાવી દઈ તમને। આપ કેટલા લોકો જોવે છે? ઈ તો આખું જગત જોવે છે। તો એને કહો છો તમાકુ લેવા? એને જ કહેવાય ને ભાઈ, ઈ ભાઈ ને થોડો હું તો મારા ગુરુ વાળા વાત કરું। કયા ગુરુ? મારા ગુરુ ના ગુરુ છે। કોણ? ઈ તો આકાશ છે। બીજું ઈ બસ મારે હરૂભરૂ વાત થઈ ને તમને થોડો બતાવું। મને નહીં કે મારા અંકલ થઈને રાત્રે મને મતલબ મેં રાત મેં યા બહાર હમ સોતે તો રાત મેં 1 બજે મેરે પાસ આયે ઓર મુજે બોલે કે ભાઈ સબ ચાય બાય બનાવો, 5 બજ ગયે, સુબહ કે 5 હો ગયે ઓર આપ ભી ફટાફટ જગ જાઓ ક્યુંકિ જ્યાદા સોને સે નુકસાન હોતા હૈ। રાત કો 1 બજે કોણ જગાતા હૈ મેરે કો? નીંદર નહીં આતી હૈ ક્યા કરેગા? નીંદર નહીં આતી ક્યા કરેગા કા? તો હમકો પરેશાન કરને કા? તો વાસન હૈ યે ક્યા પરેશાન કરતે હૈ? જાઓ મસ્ત સાફ કર લો જાઓ। યે મેરા માર્કા હૈ દેખો। વાહ ભારત માતા કી જય। ભારત માતા કી જય। ક્યા બાત ક્યા બાત, મેં ખુદ ભારત હું। ક્યા બાત, ના રે હો હે ના લો। ચલો અભી ભગવાન મસ્ત ના લેંગે, ફ્રેશ હો જાયેંગે। और कोई बात नहीं, अभी सभी प्रभु जी को रेस्क्यू करके जो लाते हैं, तो अभी हमारी एक डॉक्टर की जो टीम आती है किकाणी हॉस्पिटल से, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ पिछले 8 महीने से वो अपनी सेवा यहाँ पे दे रहे। तो चलिए डॉक्टर साहब और सभी लोग आए तो उनके साथ भी मुलाकात करवाता हूँ, और जितने भी प्रभु जी हैं तो उनका भी काउंसलिंग करना है, और उनके मुताबिक काउंसलिंग के मुताबिक उनकी दवाइयों को भी देना है। चलिए देखते आगे, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। जितने भी प्रभु जी यहाँ पे रहते हैं उनके नाम के मुताबिक ये बॉक्स बनाया हुआ रहता है। मान लीजिए मनु भाई का ये बॉक्स है, मनु दादा जो हमारे हैं उनका ये दवाई का बॉक्स है, और सभी प्रभु जी को, सभी जितने भी लोग हैं सबका ऐसा ही बॉक्स रहता है, और सभी प्रभु जी का अलग अलग फाइल्स रहती है। मान लीजिए ये हमारे दादा है, इनकी ये फाइल है, ये संजय भाई जो यहाँ पे पानी छिटकाने का काम, ये संजय भाई की फाइल है, तो उनका एडमिशन रहता है, पॉलिश का वेरिफिकेशन रहता है, और उनके अभी कोई दवाई चालू नहीं है। ये हमारे गुंदी महाराज जो गुंदी से हमने रेस्क्यू किया, डॉक्टर की किकाणी हॉस्पिटल की तरफ से जो उनका रिपोर्ट होता है वो सब कुछ, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ रहता है, और सभी प्रभु जी के अलग अलग फाइल्स रहती है। बट चले कोई बात नहीं, अभी किकाणी हॉस्पिटल से उनके ट्रस्टीगण भी हमारे साथ है, तो उनके साथ भी डायरेक्ट बात करते और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। तो शू कहो आज तुम्हारी सेवा विषय? बस हमारे जो दर 20 दिवस आई है, બરોબર, તો આજે એક કાલે બહાર જવાનું હોવાથી સાહેબ ને હું છે કે સાહેબ નું શેડ્યુઅલ પછી સર્ટી માં હોય, બરોબર, તો એક દિવસ અગાઉ આજે ટાઈમ હતો એટલે કહું ચાલો આજે જઈ આવીએ, બરોબર, એટલે દર 20 દિવસે આવીએ છીએ આવી રીતે। વાહ,
અને બધાને દવાથી રિઝલ્ટ બી સારું મળે છે, બહુ સારું રિઝલ્ટ છે. જે તોફાનો કરતા હોય નવા નવા પ્રભુજી જે તમે લાવતા હો અને અમે જોતા હોય કે ભાઈ ફરી વાર પછી જ્યારે એને દવા આપતા હોય છે ત્યારે જે વ્યવસ્થિત, હા બસ એટલે ખરેખર આનંદ થાય છે. વાહ વાહ, થેન્ક યુ સો મચ સાહેબ. ડૉક્ટર સાહેબ પણ અમારી સાથે છે. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. સર આપકા ક્યા કહેના હૈ ઇસ સેવા કે સાથ જોડતે હુએ? ये मतलब ये सेवा में हमें सपोर्ट अच्छा मिल रहा है जो किकाणी ट्रस्ट हॉस्पिटल से है, और वहाँ से हमें दवाई भी सप्लाई हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है. और यहाँ पे जो प्रभु जी आते हैं उनको हम एग्जामिन करते हैं एज ए साइकेट्रिस्ट में, और एग्जामिन करने के बाद उनको ट्रीट करते हैं. ट्रीट से हम रिज़ल्ट अच्छा मिला है क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड मिलता है और यहाँ पर टाइम टू टाइमली उसको अंडर ऑब्जर्वेशन दवाई भी दी जाती है, इसीलिए हमें ट्रीटमेंट से सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है. बिल्कुल, और अच्छा भी लगता है कि कोई जैसे पहले देखा है तो कैसा उसका बिहेवियर रहता है, और जब 20 दिन बाद आते हैं तो देखते हैं उसका बिहेवियर अच्छा सा इम्प्रूवमेंट रहता है, तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है, तो अच्छा सा काम बहुत अच्छा हो रहा है. और एक ऐसा है कि एक सेल्फलेस एक्टिविटी करने से एक हमें भी सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलता है. जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. ओके, थैंक यू सर. ओके थैंक यू. और अभी हमारे साथ किकाणी हॉस्पिटल के ट्रस्टी गण भी है. क्या नाम है सर आपका? आपका अशोक भाई सवाणी. हाँ अशोक भाई, तमारु शू केवू छे आजे? અમે કિકાણી હોસ્પિટલ એક સેવાનું જ કાર્ય કરીએ છીએ અને અહીંયા પણ એક ખૂબ જ ઉમદા સેવા થઈ રહી છે, તો અમારો થોડોક પણ જે કાંઈ પણ યોગદાન છે એ અમે અને ડૉક્ટર સાહેબની મદદથી અહીંયા પૂરું પાડીએ છીએ. જી બિલકુલ. અને એનું રિઝલ્ટ પણ અમે બહુ સામે જોઈએ છીએ, તો અમને પણ ગરસ આનંદ થાય છે કે ભાઈ ના ના એક જે કાર્ય કરીએ છીએ એમાં થોડોક ઉમેરો કરી અને એક સારું કરીએ, અને અમે હોસ્પિટલ એકદમ ખૂબ જ રાહત દરે બુધેલની અંદર રન કરીએ છીએ અને લોકો એમનો પણ લાભ સારો લે છે. જી બિલકુલ બિલકુલ, થેન્ક યુ અશોકભાઈ. અમારા સંજયભાઈ તમામ અમારું મેનેજમેન્ટ કરે છે દવાનું ડિપાર્ટમેન્ટ. ઇધર આ જાઓ. અમારે સંજયભાઈ કે સાથ જબસે ઉનકે સાથ મિલે તબ સે લેકે આજ તક ઉસને અપના વક્ત દિયા હૈ, જિસ પ્રકાર સે જહાં પે યહાં પે કામ હો રહા હૈ ઉસ હિસાબ સે વો હમારે સાથ દેતે દવાઈ કે લિયે ભી વો સભી પ્રભુ જી કો, ક્યોંકિ વો પહેલે કહાં પે કામ કરતે થે આપ? પહેલે મેં મેડિકલ કી દુકાન મેં. પહેલે બોલને તો નહીં આપ મેડિકલ કી? હાં બતાએ. पहले मैं कोसम्मा फ्लाई ओवर के नीचे भीख मांगता था. भीख मा वीआईपी भिखारी थे भाई? मैं गुजरात का सबसे हाई फाई और प्रोफेशनल भिखारी था. क्योंकि देखो क्या है कि भाई हाथ फैला के तो दुनिया भीख मांगती है, अगर भीख मांगना है तो कोई बड़ा, जब भी धंधा करो गुजराती बोलता है कि जब भी धंधा करो तो बड़े स्तर पे करो. जी. तो हाथ फैलाने से तो कुछ मिलने वाला था नहीं, तो मैं गूगल लेके भीख मांगता था, एक क्यूआर कोड लेके भीख मांगते थे. बट अभी पहले उससे पहले उसने मेडिकल की दुकान था, एक्सरे टेक्नीशियन का काम करता था. जी बिल्कुल. और मेडिकल में रहा, उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और सभी प्रभु जी को दवाई वो खुद देते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो सभी लोगों की संभाल रखते हैं. ये मेरे को इन्होंने मुझे सिखाया है, जो इन्होंने मुझे सिखाया उसको मैंने यहाँ पर रिमेम्बर ले लिया कि भाई मेरे को ये काम करना है. क्या बात, ठीक है ना. बाकी क्या है, मेरे को यह पहले किया, बीच में मैंने छोड़ दिया, भूल गया. लेकिन क्या है, जो बोलते नहीं पॉलिश करना, इन्होंने मेरे को पॉलिश करके और चमका दिया. कोई बात नहीं, आप उसके लायक हो और आपको ये जगह मिलनी चाहिए थी, इसलिए आपको मिली है. भगवान का शुक्र मानिए. हाँ. आप एक अच्छी जगह पे हो और जहाँ पे आपको इस मौके का फायदा उठा रहे हो. हाँ, भगवान हमारे लिए आप हो. अरे नहीं नहीं, चले दोस्तों कोई बात नहीं, हमारे भाई अभी मस्त तैयार हो जाएंगे. तो तमिलनाडु से जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई अभी तो बोल नहीं रहे क्योंकि वो हमारे नाटकबाज प्रभु जी है और इतने नाटकबाज है वो वाले, वो जो कभी कभी गुंगा बन. तमिलनाडु वाले है क्या? तमिलनाडु वाले. वो तमिलनाडु वाले वो क्या रेगुलर आते रहते हैं और क्या उनको चोरी से वो निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर क्या है बीच में वो मतलब कैसे नाटक करते हैं कि मैं गुंगा हूँ, फिर वो बोलने लगते हैं, फिर अचानक रात को निकल जाएंगे. और उनकी दवाई जब तक चलती है तो ठीक है, और वो दवाई भी नहीं खाते हैं रेगुलर. बिल्कुल, दवाई भी नहीं खाते हैं. खाने के टाइम पे आ जाएंगे, सो जाएंगे, फिर अचानक निकल जाएंगे सीधे से किसी को बोले बिना ऐसे ही, क्योंकि पीछे दीवार का काम. देखो ये टेंशन नहीं है कि वो चला गया, ये है कि हम लोग उसको लेकर के आए हैं सड़क से, कल वो वापस सड़क पर चला जाता है, कोई हादसा हो जाएगा तो क्या आरोप हमारे ऊपर लगेगा कि भाई पोपट भाई उनको संभाल नहीं पाया? बिल्कुल है ना, आरोप लगता है हमारे ऊपर. इसलिए क्या है कि हमको डर लगा रहता है, तभी हमें भागना पड़ता है इनके पीछे. रात को नींद नहीं आती है, 3-3 बजे तक इनके पीछे भागते रहो, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, पागल हो गए हम लोग. आते थे रात को सोने नहीं देते, सोने नहीं देते 3-3 बजे तक. अभी मैंने बताया कि रात को 1 बजे मेरे पास एक प्रभु जी आए, बोले कभी 5 बज गए चाय पानी बनाओ. 24 घंटे के अंदर ना अगर 4 घंटा भी चैन की नींद सो लेना, हम लोग बहुत बड़ी बात है, हम लोग जंग जीत लिए. लेकिन वो भी नहीं मिलता, वो भी भगाते रहते हैं.
कोई बोलता है मुझे बीड़ी चाहिए, कोई बोलता है तम्बाकू चाहिए, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई लेटरिन में भाग रहा है, कोई पेशाब करने भाग रहा है। खाने के टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, रात को 12 बजे बोलेंगे कह रहा है हमें खाना दो, ले भाई तू खाना खा ले क्या कह रहा है। चलो एक चलता रहता है, किसी का भला हो रहा है तो वो सबसे बड़ी बात है। बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और तमिलनाडु से जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाए, उनके परिवार तक वो जल्दी से जल्दी अपने परिवार से मिल जाए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।